और यहाँ से हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, हमको जितना गर्म पानी चाहिए उतना यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। और ये सप्लाई के वायर हैं, ये देखिए। और दोस्तों सेंसर क्या काम करेगा, ज़्यादा गर्म पानी होते ही ऑटोमेटिक बंद कर देगा। तो दोस्तों ये देखिए कट हो गया है, ऑटोमेटिक कट हो गया है, यानी कि पानी ज़्यादा गर्म हो गया है तो सप्लाई जाना बंद हो गई है। तो दोस्तों थर्मोस्टेट ये काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। दोस्तों सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, सर्दियों में सुबह सुबह नहाने के लिए हमें गर्म पानी चाहिए होता है। तो गर्म पानी या तो हम गीजर से करते हैं तो गीजर काफ़ी महंगा पड़ता है, और या फिर हम बाल्टी में रोड लगाकर करते हैं तो बाल्टी में रोड लगाते हैं तो करंट का खतरा बना रहता है, और या फिर हम गैस पर गर्म पानी करते हैं। तो दोस्तों गर्म पानी करने का एक सस्ता जुगाड़ हम बनाने वाले हैं आज। तो सस्ता जुगाड़ बनाने के लिए हमें क्या क्या आइटम की जरूरत पड़ेगा, तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पर एक एशियन का बाल्टी लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा मजबूत रहता है, कलर वाली बाल्टी है एशियन वाली, तो ये थोड़ा मजबूत रहता है इसलिए हमने ये लिया है। ये 20 लीटर का है, और यहाँ पर हमने लिया है एक 2000 वाट का एलिमेंट, ये देखिए। तो ये एलिमेंट मैंने इस तरह का लिया है कि हमें यहाँ पर एक होल करना है, यहाँ पर होल करेंगे और इसे अंदर से लगाकर बाहर से टाइट कर देंगे तो ये पानी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पानी गर्म करने का जुगाड़, और अब हम ये थर्मोशेट लगाएंगे। थर्मोशेट मान लीजिए हमने इसको लगाकर पावर में भूल गए, तो ज़्यादा गर्म पानी नहीं हो तो इसलिए हम ये थर्मोशेट लगाएंगे, ये कट कर लेगा, मतलब जितने पर हम सेट करेंगे ये कट कर लेगा। और एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नल लगा देंगे, तब जब पानी गर्म होगा तो नल को खोलकर हम पानी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सस्ता जुगाड़ पानी गर्म करने का, तो किस तरह से बनाते हैं वही आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में एंड तक, तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बाल्टी में हमको होल कहाँ पर करना है, देखिए ये जो पकड़ने का है खड़ा, इसके नीचे हमको यहाँ पर करना है, क्योंकि हम इस पे इस तरह से रख भी सकते हैं बाल्टी को। तो गर्म पानी का जुगाड़ बनाने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं बाल्टी। तो बाल्टी में हम क्या करने वाले हैं, छेद करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर बिट है वो लगा लिया है, तो चलो इसे छेद करते हैं। छेद हमको कहाँ पर करना है, देखिए ये जो पकड़ने का है इसके सिद्ध में हमको छेद करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस बाल्टी को इस तरह से दीवार में लगा भी सकते हैं ताकि ये जो हम रोड लगाए वो साइड में रह जाए, तो हमको इसकी सिद्ध में लगा देना है। तो निकालो छेद, तो होल यहाँ पे निकल गया है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट को फिटिंग करते हैं, तो इसे खोल लो, इसे भी हमें खोलना पड़ेगा। अब ये वाला जो रबर है ये अंदर की ओर होना चाहिए, तो चलो इसे अंदर की साइड से लगाते हैं। इस तरह से लगाने के बाद अंदर इस तरह से लग जाएगा ये, इस तरह से एलिमेंट को लगा देना, फिर वायर से टाइट कर देना है। तो यहाँ से थोड़ा सा ये प्लास्टिक जो आ रहा है इसे हम साफ करते हैं पहले, ताकि अच्छे से बैठ जाए। इस तरह से लगाने के बाद हमको ये वाशर लगा देना, हमने एलिमेंट को फिटिंग कर दिया है और बाहर से अच्छे से टाइट कर दिया है ताकि पानी ना निकले। और अब हम करने वाले हैं इसका कनेक्शन। तो कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्मोस्टेट लेना पड़ेगा। थर्मोस्टेट को फिटिंग करने के लिए हमें एक पत्ती बनाई है, तो ये देखिए इस तरह का एक पत्ती हमने बनाया है ताकि इसमें थर्मोस्टेट रुक जाए और यहाँ पर ये फिटिंग हो जाए। तो थर्मोस्टेट का कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, तो एक वायर पर हमने पिन लगा दिया है, ये थर्मोस्टेट के अंदर लगेगा, और एक हमने इस तरह से ओपन रखा है, तो चलो इसे लगाते हैं। तो ये है एलिमेंट का कवर, तो ये कवर लगाना ज़रूरी है, नहीं तो करंट आ सकता है। कवर के अंदर ये वायर को लगाना है, इस तरह से एक वायर को लगा लेना है और इसके एक टर्मिनल पर इसे टाइट कर वायर को मोड़ कर लगाना है ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। तो एक वायर का कनेक्शन हो चुका है, अब हम दूसरा वायर लेते हैं। इस वायर को दूसरे टर्मिनल पर हमको लगाना है, कैप के अंदर से निकाल लेना है। दोनों वायर का कनेक्शन हो चुका है, अब हम क्या करते हैं कैप को फिटिंग कर देते हैं। कैप को फिटिंग करके हम नट लगा देते हैं ताकि ये
खुले ना, तो ये वापस हमको खोलना है क्योंकि पत्ती लगाना है। तो हमने जो पिन लगाया था वो इस थर्मोस्टेट में लगा देना है, एक एक पिन पे हमको इसे लगा देना है। तो ये लग गया है, और तो हमने यहाँ पर एक वायर टेप लगा दिया है ताकि करंट वगैरह का नहीं रहे। तो इसे अच्छे से इस तरह से लगा दिया। अब दूसरा पिन लेते हैं और उसको भी इसी तरीके से हम टेप लगा देते हैं। दूसरे वायर का कनेक्शन भी हो चुका है, अब इसको हम कर देते हैं टाइट। तो ये हमारे दोनों वायर सप्लाई के रहे हैं, 230 वोल्ट हमको यहाँ पे लगाना है। और ये वाला रहा सेंसर का, जो ज़्यादा गर्म होने पर कट करेगा। थर्मोस्टेट का सेंसर हमने बाल्टी में इस तरह से लगा दिया है और थर्मोस्टेट को बाहर इस तरह से सेट कर दिया है। ये देखिए, आपको मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ से हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, हमको जितना गर्म पानी चाहिए उतना यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। और ये सप्लाई के वायर हैं, ये देखिए। और दोस्तों सेंसर क्या काम करेगा, ज़्यादा गर्म पानी होते ही ऑटोमेटिक बंद कर देगा। तो थर्मोस्टेट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगाने वाले हैं इसमें नल, तो नल हमको यहाँ पर नल लगाना है। तो यहाँ पर हमें को क्या करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा। तो चलो होल करते हैं। होल करने के लिए हमें पहले नल लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर नल ले लिया है। ये देखिए, ये कैंपर में जो पानी का कैंपर होता है उसमें ये नल लगता है, तो ये हमको लेना है। और इसमें ये देखिए रबर है सील। तो अब निकालते हैं हम बाल्टी में होल। तो होल हो गया है, अब हम नल को फिटिंग करते हैं। वाशर लगाकर हम अच्छे से टाइट कर देंगे ये नल। तो नल हमने लगा दिया है, ये देखिए। और हमारा गीजर है वो तैयार हो चुका है ऑटोमेटिक पानी गर्म करने का। तो दोस्तों अब बारी आती है इसे टेस्टिंग करने की। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें पानी डालते हैं पहले और फिर इसे टेस्टिंग करते हैं कि पानी गर्म कर रहा है कि या नहीं कर रहा है। तो चलो इसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद देखिए, यहाँ से भी पानी नहीं निकल रहा है और यहाँ से भी पानी नहीं निकल रहा है, यानी पानी कहीं से भी निकलना नहीं चाहिए। पानी हमने इसमें डाल दिया है, अब हम वायर लगाते हैं और इसे चेक करते हैं। तो पावर में हमने लगा लिया है, अब देखते हैं। तो पानी हमने डाल दिया है और मैंने यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा दिया है, और अब पावर करते हैं ऑन। पावर ऑन कर दिया है और मैं यहाँ से इसे ऑन कर देता हूँ। ये देखिए, 5 एम्पियर ले रहा है, 5.4 एम्पियर ये ले रहा है। और अंदर की ओर देखते हैं कि पानी, तो देखिए धीरे धीरे गर्म हो रहा है। तो देखिए पानी गर्म होने लगा है, तो चलो इसे 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं। पानी गर्म यहाँ पर हो रहा है और एम्पियर 5.5 दिखा रहा है। तो अब देखते हैं कि ये कितनी देर में ऑटो कट होता है। ऑटो कट होते ही यहाँ पर 0.0 एम्पियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए कट हो गया है, ऑटोमेटिक कट हो गया है, यानी कि पानी ज़्यादा गर्म हो गया है तो सप्लाई जाना बंद हो गई है। तो दोस्तों थर्मोस्टेट ये काम करेगा, इसमें इसे ऑटोमेटिक बंद कर देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।